हे गाइस, आज के वीडियो पे हम डिस्कशन करने वाले हैं गुजरात के कुर्मी पाटीदार कम्युनिटी के वर्तमान सांसदों के बारे में। तो यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही दें, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वह बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ओके ना। अब हम अपनी वीडियो की ओर बढ़े। गुजरात के कुर्मी पाटीदार सांसदों के बारे में जानने से पहले हम गुजरात में कुर्मी पाटीदार कम्युनिटी के सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और उनकी टोटल पॉपुलेशन की चर्चा करते चले। सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक तौर पर हम बात करें तो पाटीदार कम्युनिटी ना राजा महाराजा की कम्युनिटी तो है ही, साथ में जमींदार, उद्योगपति, हीरा व्यापारी, अरबपति से लेकर बड़े बड़े सौदागर भी इन्हीं कम्युनिटी से हैं। और जनसंख्या की बात करें या जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो प्रदेश में ना कुर्मी कम्युनिटी की जनसंख्या लगभग ठीक ही है। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार ना यहाँ कुर्मी कम्युनिटी के लोग टोटल 6 करोड़ से अप्रोक्स थी 2011 में, और अभी वर्तमान स्थिति में इनकी जनसंख्या बढ़कर 6.5 करोड़ से अप्रोक्स हो चुकी है। परसेंटेज वाइज भागीदारी की बात करें तो प्रदेश में पाटीदार कम्युनिटी की भागीदारी 30% है। गुजरात में अपने भाइयों ने या गुजरात में हमारे पाटीदार कम्युनिटी के लोगों ने अभी तक अपने 5 मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी शामिल है। तो भाइयों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारे 5 मुख्यमंत्री गुजरात के कौन कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है भाइयों। गुजरात में ना कुर्मी पाटीदार कम्युनिटी के लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत स्टेबल है, और इन्हीं स्टेबिलिटी के कारण ही गुजरात में ना हमारा कम्युनिटी जनरल कैटेगरी में शामिल है। गुजरात के लगभग 80% कल कारखाना हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, या फिर मेडिकल फील्ड हो, या एग्रीकल्चर लैंड हो, हीरा व्यापारी हो, क्वालिफिकेशन क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में ना पाटीदारों का कब्जा है, वर्चस्व भी बहुत बढ़ चढ़ कर है। गुजरात में एक सिंपल सी कहावत है, जो चीज आपकी नहीं वो पटेल की। जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, दुकान, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, सब कुछ, आसमान, पृथ्वी, समुद्र, सब पर पटेल समाज का आधिपत्य है। पॉलिटिकल क्षेत्र की बात करें तो पाटीदार का प्रभाव इस कदर है ना कि बिना पाटीदार की सरकार बनाना या सत्ता चलाना असंभव सी हो जाती है। पाटीदार जिधर जाते हैं सरकार भी उधर ही बनते हैं। आज यहाँ के पाटीदार, कुर्मी पाटीदार इतने स्वावलंबी हैं, केवल और केवल अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कारण। उन्होंने देश को तो अखंड किया ही, नो डाउट। उन्होंने देश के प्रति जो काम किया वो शायद मैं एक वीडियो क्या 1000 वीडियो बना दूं तो कवर नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने देश को अखंड तो किया ही, साथ ही साथ अपने कम्युनिटी के लोगों को हर क्षेत्र में पुश किया, अग्रणीय बनाया, जिसका आउटपुट आज आप लोगों को गुजरात में दिख ही रहा है ना, गुजरात में दिख ही रहा है ना। तो शायद भाइयों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा खींच दिया, टॉपिक थोड़ा इधर उधर ज्यादा चल गई हो, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की ओर बढ़े, गुजरात के कुर्मी पाटीदार कम्युनिटी के सांसदों के बारे में, है ना। तो भाई गुजरात में ना टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें हमारे कम्युनिटी के कितने सांसद है, 7 सांसद है। तो सारी की लिस्ट भाई मैं आपको जानकारी दे देता हूं, वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहले हैं सीआर पाटिल,
नवसारी लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े और दिग्गज नेता भी हैं और सांसद, वर्तमान सांसद भी हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दूसरे हैं नारायण भाई कछारिया, ये अमरेली लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तीसरे मोहन भाई कुंडारिया, राजकोट लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। चौथे की बात करें तो चौथे पे हैं हंसमुख पटेल, बनासगांडा लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद हैं। पांचवे हैं मितेश भाई पटेल जी, आनंद लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान एमपी भी हैं, वर्तमान एमपी हैं। छठे हैं रमेश भाई लवजी भाई धड़ुक, पोरबंदर लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं और अभी वर्तमान में सांसद हैं। सातवें की बात करें तो सातवें पर हैं जयश्रीबेन पटेल जी, मेहसाणा लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। तो ये रही भाइयों हमारे सात एमपीओ की लिस्ट। यदि किन्हीं को लगता हो या फिर मैंने किन्हीं का नाम छोड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर गुजरात के भाइयों तक पहुंचाइएगा, है ना, ताकि वो लोग मुझे सही इन्फॉर्मेशन भी देता चले, क्योंकि हो सके कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सभी सही जानकारी हमको गुजरात से ही मिलेगी। तो गुजरात, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके गुजरात के भाइयों तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय कुर्मी, जय शिवाजी, जय जय सरदार।